आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। एक जंगल में एक भैंस और एक घोड़ा रहा करते थे। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा साथ साथ घास चरते और साथ ही साथ पानी पीकर खेला कूदा करते थे। लेकिन एक दिन किसी कारणवश भैंस और घोड़े में बहस छिड़ गई। बहस इस हद तक बढ़ गई कि दोनों में लड़ाई होने लगी। बहस ज्यादा ताकतवर थी, उसके पास नुकीले सींग थे, इसलिए बहस ने घोड़े को सींगों की सहायता से काफी परेशान और चोटिल किया। घोड़ा अपनी हार बर्दाश्त ना कर सका और बहस से बदला लेने की योजना बनाने लगा और बहस को सबक सिखाने के लिए वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक आदमी दिखाई पड़ा। घोड़े ने सोच लिया कि अब इस आदमी से मदद लेकर भैंस को सबक सिखाएगा। घोड़े ने आदमी को सारी बात कह सुनाई और मदद के लिए प्रार्थना करी। आदमी ने घोड़े से कहा, देख भाई घोड़े, भैंस के सींग होते हैं और वह काफ़ी ताकतवर भी होती है, भला मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ और आखिरकार मैं तुम्हारी मदद अपनी जान जोखिम में डालकर क्यों करूँ। घोड़े ने आदमी को लालच देते हुए कहा, भैंस मीठा दूध देती है जिससे आप और आपका परिवार दूध पीकर काफ़ी मजे से रह सकता है। आप भैंस को डंडे की सहायता से पीट पीट कर रस्सी से भैंस को बांध सकते हैं। आदमी घोड़े की बात मान गया और घोड़े की पीठ पर बैठकर भैंस को काबू करने चल दिया। उस आदमी ने भैंस को डंडे से खूब पीटा और बांधकर घोड़े की सहायता से अपने घर ले गया। जब घोड़े ने उस आदमी को वापस जाने के लिए अनुमति मांगी, तब उस आदमी ने घोड़े को अपनी सवारी के लिए बांध लिया। अब घोड़ा बहुत पछता रहा था, क्योंकि यदि वह आदमी को भैंस को सबक सिखाने के लिए नहीं कहता तो वो आज अपने आप जंगल में खुद भी आजाद घूम रहा होता। वह अपनी करनी पे पछता रहा था। तो इस कहानी का मॉरल क्या है? इस कहानी का मॉरल है, ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा चाहता है तो स्वयं उसका बुरा पहले होता है। जैसे कि घोड़े ने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिला। धन्यवाद दोस्त।